वे आम गुटली ध्यान से जाना, कोई छूस ना ले तुम्हें, ठीक है? और सुन, वॉच की कॉल कर दियो, चल बाय बाय। गए दोनों, इसका मतलब तू सिर्फ बेबी और मैं, यानी के पुलपन के चक्कर में लाइफ में रोमांस ही खत्म हो रखा था। हाउ आएगा पुलन रोमांस बेबी, आई एम कमिंग। लगता है आज तो बेबी फुल ऑन मूड में। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं रॉकेट साइंस समझने की कोशिश। क्या बेबी? आई वांट टू किस यू। नो, मेरा मूड नहीं अभी। ओह नो, तुम्हारा मूड ना बेबी, जेठा की बबीता ऐसा हो गया है ना, उसे बबीता मिल रही है और ना मुझे तुम्हारी किस। हाँ, ले एक काम करो, निकलो यहाँ से। तो ये क्या है फिर? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, अनकंफर्टेबल फील कर रही थी इसीलिए उतार दिया। हटो। उम्र सारी बेबी, जल्दी से आओ पास, कोई नहीं है आस पास। और मैं भी नहीं हूँ तुम्हारे पास। क्या बेबी तुम भी ना? बहुत काम का हूँ। बेबी कुछ ऑर्डर किया था क्या? ऑर्डर? लगता है गुटली और शुभम करके गए ऑर्डर, जाते जाते कुछ तो अच्छा करके गए। अरे आता हूँ। भैया आप यहाँ कैसे? क्यों ना आ सके, छोटे भाई का घर है, भाई भाई के घर नहीं जाएगा तो क्या होटल में जाएगा? अरे भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो? वैसे एक बात बता, घर में कोई बच्चा है के? अरे नहीं भैया। तो ये छोरी बेबी किसको बोल रही थी, और वो है कौन? अरे ये वो अपना वो शुभम, अरे उसकी बेबी। अरे नहीं भैया, सिस्टर। सिस्टर जो अस्पताल में होती है? ठीक तो है ना वो? अरे भैया वो ठीक है, सिस्टर मतलब बहन। तो ऐसे बोल, वो है कहाँ तेरे लफंडर दोस्त दोनों? अरे वो भैया दोनों बाहर गए काम से। अब सारी बातें यही कर लेगा कि अंदर भी ले चलेगा? अरे नहीं भैया बिल्कुल बिल्कुल, आप अंदर चलो रूम में, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। चलो पानी गाल के ला रहा है, जमीन से खोद के निकाल के ला रहा है। मुझे लगा आज ना आ पाएगा। Oh no!
क्या हुआ तुम दोनों को? मोतिया बंद हो गया के? अरे नहीं भैया वो, और कैसा कैसे आना हुआ बताया नहीं आपने? अरे तुझे तो पता है हमारा काम, उसी वजह से आना हुआ है। तो कब तक हो आप यहाँ पर? अरे भैया मतलब कब तक आपका काम खत्म हो जाएगा? अरे देख वही बस एक दो दिन। अच्छा एक दो दिन में चले जाएंगे? पूरी बात सुन लिया कर, एक दो दिन में पता लग जाएगा कितने दिन और हूँ मैं यहाँ। क्या एक मिनट उस रूम में सोऊंगी क्या मैं? प्लीज ना यार भैया है समझा करो। हर बार मैं ही क्यों? प्लीज ना बेबी मैं अकेली ही सोने वाली हूँ समझ आया? परेशान मत हो भैया जैसे ही सोएंगे ना मैं दोबारा रूम में आता हूँ। सोना नहीं है अभी अभी आ रहा भैया तू थोड़ी देर में आ रहा भैया रात के 9 बज रहे हैं चल आ जा रूम में। पक्का रात को आता हूँ मैं भी प्लीज। अच्छा तूने ब्लू वाला शॉर्ट देख क्या? मुझे नहीं पता। ये मेरा ब्लू वाला शॉर्ट्स पता नहीं कहाँ पर है। सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? अरे वो भैया वॉशरूम वॉशरूम जा रहा है। अरे वो नींद में पता नहीं चला। भैया मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, नीचे मार्केट है, अगर कुछ चीज़ नीचे से ले लेना। और खाना बन गया आपका और एक घंटे बाद मेड आएगी, प्लीज़ उसके लिए गेट खोल देना, मैं लेट हूँ। ठीक है अब वो कुछ भी चाहिए प्लीज़ नीचे से ले लेना। ठीक है बाय भैया। कहाँ रह गए जल्दी आओ।
पक्का टाइम दे दो, मैं पक्का बात कर लूंगा शाम तक का टाइम। बात तो सुनो मेरी, शाम को बात करता हूँ भैया से। शाम को करते करते 2 हफ्ते निकल चुके हैं, आज उन्हें बता दो वरना मैं उन्हें बता दूंगी। दिमाग खराब हो गया, उनको पता चल गया ना तो घर पे बुला लेंगे मुझे। आइडिया, एक आइडिया मेरे पास जिससे भैया घर भी चले जाएंगे और उन्हें कुछ बताना भी। आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो, अगर आप यहां तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और कमेंट्स करके बताओ कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। एंड प्लीज कमेंट करके ये भी बताओ कि हम लोग क्या करें ताकि भैया भाग जाए। मतलब भगाना नहीं है, भैया है मेरे, मतलब ऐसा कमेंट कि हम भैया को घर से जाने के लिए बोल दें, उन्हें पता भी ना चले और मुझे रोमांस करने का टाइम मिले। एंड गाइज, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे होम, बाय बाय।